पर यूनिट सिस्टम काफ़ी इम्पोर्टेंट है यार, मशीन में भी यूज होगा और पावर सिस्टम में यूज होगा। तो व्हाट इज पर यूनिट सिस्टम? दैट इज एक्चुअल वैल्यू अपॉन बेस वैल्यू, या फिर लाइक एक्चुअल वैल्यू, बेस वैल्यू, और बेस वैल्यू को और क्या बोलते हैं? दैट इज रेफरेंस वैल्यू। ठीक है, रेफरेंस वैल्यू। और यहीं पे एक आ जाता है परसेंटेज वैल्यू, परसेंटेज वैल्यू। एंड व्हाट इज परसेंटेज वैल्यू? तो दैट इज पर यूनिट, दैट इज पर यूनिट वैल्यू इनटू 100। ठीक है, दैट इज पर यूनिट वैल्यू इन 100। तो पर यूनिट सिस्टम क्या है? एक्चुअल वैल्यू अपॉन बेस वैल्यू। परसेंटेज वैल्यू क्या है? पर यूनिट वैल्यू इनटू 100। ठीक है, अगर लाइक जो लोग स्पेशली मतलब बहुत पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा एग्जांपल से समझ लो आप। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्लास है, एक क्लास है, ठीक है, किसी के मान लो 40 मार्क्स हैं, किसी के 60 मार्क्स हैं, किसी के 80 मार्क्स हैं। ठीक है ना, किसी के 80 मार्क्स हैं। तो मान लो एक 50 मार्क्स है, अभी अलग अलग मार्क्स हैं, या फिर उसके बाद उसके अलावा लाइक क्या ले सकते हैं? लाइक ये क्लास वन का डिटेल है, इसी तरह क्लास टू मान लो आप ऐसे समझो कि उसमें, अच्छा ये जो मार्क्स है, सपोज दिस इज आउट ऑफ 100। ठीक है ना, सपोज दिस इज आउट ऑफ 100। इसी तरीके से अगर यहाँ पे बात करें कि किसी के 120 मार्क्स हैं, 140 मार्क्स हैं, 170 मार्क्स हैं, ठीक है, और 130 मार्क्स हैं, तो दिस इज आउट ऑफ 200। तो अब आप यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू के बेसिस पे नहीं जज कर सकते कि किस कौन किसकी वैल्यू ज़्यादा है या किसकी वैल्यू कम है। बोलो हाँ या ना। तो देखो यार, मान ली क्लास वन है, ए मार्क्स हैं कुछ स्टूडेंट्स के, ए क्लास टू है, ए मार्क्स हैं कुछ स्टूडेंट्स के। तो अब ऐसे सिचुएशन में आप एटलीस्ट इस एक्चुअल वैल्यू को देख करके ये नहीं बोल सकते आप कि किसने ज़्यादा स्कोर किया। बोलो हाँ या ना, समझ में आ रहा कि नहीं? आप ऐसे अगर आपको ये लगता है, अगर मैं पूछूं कि इसने ज्यादा स्कोर किया हुआ है या इसने ज्यादा स्कोर किया हुआ है, तो एक्चुअल में देखा जाए तो किसने ज्यादा स्कोर किया हुआ है? इसने ज्यादा किया हुआ है, क्योंकि उसका परसेंटेज कितना है? 80, इसका तो 60% है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसी तरीके से इसका मतलब क्या हुआ? अभी दो अलग अलग सिस्टम को अगर मुझे कंबाइनली देखना है तो मुझे अपना बेस क्या करना पड़ेगा? कॉमन करना पड़ेगा। मतलब या तो मैं इसको सबको हाफ कर दूं या मैं इसको क्या कर दूं, डबल कर दूं, तब मुझे एग्जैक्टली पता चलेगा। तो वो जो वैल्यू कॉमन लिया हमने, वो जो वैल्यू कॉमन लिया मतलब बेस वैल्यू मान लो 200 लिया, तो अब ऑब्वियस सी बात है सबको हमें पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। लाइक दिस इज 80, दिस इज 80, दिस इज 120, दिस इज 160, दिस इज 100, 200। अब मैं कंपेयर कर सकता हूं, बट उसके पहले मैंने क्या किया? एक बेस लिया। अब सबका पर यूनिट वैल्यू निकाल लेंगे, तो पर यूनिट वैल्यू क्या हो जाएगा? एक्चुअल अपॉन बेस। इस तरीके से सबकी वैल्यू निकालेंगे अपन अलग अलग। तो इससे क्या होगा, हमें किसी का, इसी तरह पावर सिस्टम में क्या होता है, किसी का बेस कुछ होता है, किसी किसी का बेस मतलब किसी का वोल्टेज ज़्यादा, किसी का वोल्टेज कम, किसी का इम्पीडेंस ज़्यादा, किसी का इम्पीडेंस कम, इस तरीके से बहुत ढेर सारे अलग अलग सिस्टम होते हैं। तो सबको कंबाइन करने के लिए बेसिकली हम किसका यूज करते हैं? पर यूनिट सिस्टम का। बेसिक आइडिया लगा? देखो
ठीक है, मतलब हम अपने कैलकुलेशन को, एनालिसिस को क्या कर रहे हैं, ईजी करना चाह रहे हैं, उसके लिए हमें इसका यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो मतलब जब भी आपको पर यूनिट सिस्टम किसी डाटा का निकालना है, किसी वैल्यू का निकालना है, दो क्वांटिटी चाहिए होगी, दैट इज व्हाट, जिसका निकालना है और डिवाइड बाई बेस वैल्यू, रेफरेंस वैल्यू। क्लियर है, क्लियर है, ठीक है ना, मतलब जहां से सारी चीजें समान, मतलब एक जैसे ही लगे, समझ पा रहे हो नहीं। लेकिन अगर मैं ये बोलूँ कि हाँ इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट कितनी है, उसकी हाइट कितनी है, तो भी सी बात है मैं यहां से खड़ा होकर देखूंगा, तो लाइक दिस इज व्हाट रेफरेंस। तो एक ऐसी जगह, मतलब कि ये नहीं कि मैं इसको यहां से देख रहा हूँ, इसको यहां से देख रहा हूँ, उसको देखना है तो इसके ऊपर से चढ़ के देख रहा हूँ, तो मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, रेफरेंस चेंज कर दे रहा हूँ, नहीं, रेफरेंस सेम होना चाहिए। देर बात, ठीक है, मतलब ये जो कॉम्प्लिकेशन है ना उसको काफी हद तक क्या कर देगा, दूर कर देगा। ठीक है, खैर तो अब समझ में आ गया होगा, एक्चुअल वैल्यू अपॉन बेस वैल्यू। ठीक है ना, जैसे अगर मैं बोलूं कि दो इम्पीडेंसेस थे, मतलब ऐसे 50 ओम, 100 ओम और 200 ओम, सबका पर यूनिट वैल्यू बताओ, सबका पर यूनिट वैल्यू बताओ, तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि बेस वैल्यू बताओ। अब मान लो ऐसे सिचुएशन में बेस नहीं दिया होगा तब क्या करेंगे, तो नॉर्मली जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है, पिछले केस में हमने 200 क्यों लिया, क्योंकि वो सबसे बड़ी थी ना, तो जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है उसी को क्या ले लेते हैं अपन, बेस। तो बताओ जरा इसका पर यूनिट वैल्यू क्या हो जाएगा, 50 बटा 200, 100 बटा 200, 200 बटा 200, पर यूनिट वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/4, मतलब 0.25, 0.5 एंड 1। यहां से एक बात हमें पता और चली, क्या कि जिसको आप बेस लेते हो उसकी पर यूनिट वैल्यू कितनी होती है, 1। समझ में, जिसको आप बेस लेते हो उसकी पर यूनिट वैल्यू क्या होती है, तो दैट इज 1। समझ में आ गई बात। अब देखो इससे क्या क्या फायदा, एक तो लाइक बहुत सारे सिस्टम की चीजें एक बेस पे आ जाएंगी, दूसरा अभी इस डाटा को लिखोगे कंप्यूटर में वो ज्यादा स्पेस लेगा या फिर ए वाला स्पेस लेगा, ये ज्यादा स्पेस लेगा, मेगावाट, किलोवाट, बट अगर पर यूनिट सिस्टम में बदलोगे तो दैट विल बिकम लेस देन 1 ना। तो इस तरीके से ए एडवांटेज हो कि हमारा जो कैलकुलेशन होता है वो भी क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। ठीक है ना, खैर तो हम अलग अलग सिस्टम, मतलब अलग अलग एलिमेंट देखेंगे, सबका बेस देखेंगे, वो सारी चीजें करेंगे। खैर तो पर यूनिट सिस्टम इज व्हाट, एक्चुअल अपॉन बेस, एंड परसेंटेज वैल्यू इज व्हाट, पर यूनिट वैल्यू इनटू 100। क्योंकि कभी कभी जैसे आपने कभी क्वेश्चन लगाया होगा तो आपको दिया होता है कि रिएक्टेंस, परसेंटेज रिएक्टेंस इज व्हाट, 10%, ऐसे दिया होता है ना, परसेंटेज वैल्यू, परसेंटेज इम्पीडेंस इज 10%, परसेंटेज रेजिस्टेंस इज 10%। तो इसका मतलब ये क्या है, पर यूनिट वैल्यू या परसेंटेज वैल्यू, परसेंटेज वैल्यू। अगर आपको पर यूनिट चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, डिवाइड, डिवाइड। आई बात समझ में, जो पर यूनिट वैल्यू होता है नॉर्मली मैक्सिमम टाइम में दैट विल बी लेस देन 1। मैक्सिमम टाइम बोलो, हमेशा नहीं बोल रहा हूं मैं, आई बात समझ में। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे देखो मान लो एक सर्किट है, उसमें करंट फ्लो हो रहा है 10 एम्पियर, 50 एम्पियर, ए नो लोड पे करंट है, ए फुल लोड पे करंट है, और जो फुल लोड पे करंट है दैट इज व्हाट, रेटेड, उसी को अपन क्या कंसीडर करते हैं, बेस। अब सपोज फॉल्ट आया, अब जो फॉल्ट आएगा तो एक करंट तो 500 एम्पियर भी तो हो सकता है, जब फॉल्ट आएगा तो करंट 500 एम्पियर भी हो सकता है। अब आप ये तो नहीं कहोगे, नहीं एक काम करते यार 500 बड़ा हो गया, 500 को रेफरेंस लेते हैं, एक्चुअली वो तो पता ही नहीं है ना कितना आएगा, तो बेस तो आपका क्या रहेगा, यही रहेगा। बट अब जब इसकी पर यूनिट वैल्यू निकालोगे तो इसकी कितनी आएगी, इसकी कितनी आएगी और इसकी कितनी आएगी, तो देखो जरा नो लोड पे कितना आ गया, 0.2, रेटेड लोड पे कितना आ गया, 1, और इस समय कितना आ गया, 10। तो दिस इज व्हाट, पर यूनिट वैल्यू ऑफ व्हाट, फॉल्ट करंट, शॉर्ट सर्किट करंट की पर यूनिट वैल्यू। व्हाट इज मीनिंग ऑफ शॉर्ट सर्किट करंट, पर यूनिट वैल्यू ऑफ शॉर्ट सर्किट करंट, मतलब क्या है, अगर बोल रहा हूं 10 इज अ
10 इज शॉर्ट सर्किट करंट की पर यूनिट वैल्यू, पर यूनिट वैल्यू ऑफ शॉर्ट सर्किट करंट इज 10, इसका मतलब वो रेटेड से कितना गुना ज्यादा हो चुका है, 10 टाइम्स। समझ में आ रहा है? अगर बोला जा रहा है कि मैंने मैंने बोला कि 5 इज फॉल्ट करंट, फॉल्ट करंट की पर यूनिट वैल्यू 5 है, इसका मतलब वो रेटेड का कितना टाइम हो चुका है, 5 टाइम्स। समझ में आ रही बात? इसी तरह देखो, रेटेड कितना था, 50। अगर कोई मुझसे ये बोले कि 10 फॉल्ट करंट की पर यूनिट वैल्यू है, तो मतलब मैं कहूंगा कि यार एक बार काम करो, बेस बता दो मुझे, मैं एक्चुअल वैल्यू बता दूंगा। तो इसका मतलब यहां पे देखो ना, एक्चुअल वैल्यू इज वॉट, बोलो, एक्चुअल वैल्यू इज वॉट क्या हो जाएगा, पर यूनिट वैल्यू इनटू बेस। बोलो हाँ या ना? ठीक है। तो अगर किसी ने पूछा कि फॉल्ट करंट की, बहुत 2-3 बार क्वेश्चन आया इस पे, फॉल्ट करंट इज 10 पर यूनिट, तो बताओ एक्चुअल करंट कितना होगा, अगर बेस करंट दे दिया तो सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे। समझने की कोशिश करना, फॉर्मूला रटने की कोशिश मत करना। अगर फॉर्मूला रटना होता तो मैंने 3 फॉर्मूले लिखवा के आगे बढ़ जाना था। इस बात को समझने की कोशिश करो आप, ठीक है ना? समझोगे तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा, रटोगे तो फिर वही एक क्लास के बाद भूल जाओगे आप। डन। तो दीज आर द मीनिंग्स, लाइक ए हो गया, ए हो गया। अब ऑब्वियस सी बात है, इसीलिए जब भी आप कभी भी देखो शॉर्ट सर्किट करंट की जो पर यूनिट वैल्यू आती है ना, दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। क्यों? क्योंकि जो शॉर्ट सर्किट की करंट होगा, ऑब्वियस सी बात है, रेटेड से क्या होगा, ज्यादा होगा। और अगर रेटेड से ज्यादा है तो उसकी पर यूनिट वैल्यू भी क्या होगी, ज्यादा ही आएगी। क्लियर है ना? ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातों का अपन ध्यान रखेंगे। अब यहां पे चलो, ठीक है, अभी तक हम सिर्फ क्या समझ रहे थे, पर यूनिट सिस्टम का, पर यूनिट वैल्यू का मतलब, पर यूनिट सिस्टम का मतलब। अब यहां पे अब अगला क्वेश्चन ये आता है, चलो ठीक है, हमने समझ लिया कि पर यूनिट वैल्यू क्या होता है, एक्चुअल वैल्यू अपॉन बेस वैल्यू, ठीक है ना, एक्चुअल वैल्यू अपॉन बेस वैल्यू। तो अब यहां पे क्वेश्चन आता है कि ठीक है, अब ये सारी चीजें इंप्लीमेंट हम किस पे करेंगे, तो मतलब किसकी पर यूनिट वैल्यू निकालेंगे। तो हमारे पास बीइंग एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, देयर आर 4 क्वांटिटीज, देयर आर 4 क्वांटिटीज जिसपे हम एक कॉन्सेप्ट यूटिलाइज करने वाले हैं। अब वो 4 एलिमेंट कौन कौन से हैं जिसको हम पर यूनिट सिस्टम में रिप्रेजेंट करना चाहेंगे, बोलो जरा। इलेक्ट्रिकल में 4 क्वांटिटी कौन कौन सी हैं? तो एक तो वोल्टेज, दूसरा करंट, एंड तीसरा लाइक इम्पीडेंस, इम्पीडेंस, और फोर्थ वन वाज पावर। बोलो हाँ या ना? ये 4 क्वांटिटी हैं जिसका हमें बेसिकली क्या निकालना है, पर यूनिट वैल्यू। वोल्टेज, करंट, इम्पीडेंस, पावर, यही 4 क्वांटिटीज हमें देखने को मिलने वाली हैं पूरे फॉल्ट एनालिसिस में। इसके अलावा और कोई क्वांटिटी नहीं आने वाला है, यस या नो? ठीक है। अब जब आप क्वेश्चन लगाओगे ना, आपको सिर्फ 2 क्वांटिटी दी रहेगी, दैट इज व्हाट, वोल्टेज और पावर। सिर्फ 2 क्वांटिटी आपको देखने को मिलेगी। जब भी देखो कोई रेटिंग देखो, या एमबीए, किलोवाट, ऐसे करके देता है, या फिर केबी, ये सब करके देता है। कभी ना तो कभी करंट देगा, ना ही कभी वो इंपेडेंस देगा। क्या इतनी बात हमें क्लियर है? ठीक है। अच्छा, अब वोल्टेज में कोई एक्टिव रिएक्टिव का कॉन्सेप्ट नहीं होता है, करंट में भी कोई एक्टिव रिएक्टिव का कॉन्सेप्ट नहीं होता है, बट अगर इंपेडेंस की बात करें, व्हाट इज इंपेडेंस, इंपेडेंस इक्वल टू व्हाट, आर प्लस जे एक्स। इसका मतलब इंपेडेंस के केस में, इम्पीडेंस के साथ साथ और कौन कौन है, रजिस्टर और रिएक्टेंस। इसी तरीके से अगर यहां पे बात करें पावर की, तो पावर, कॉम्प्लेक्स पावर क्या हो जाता है, पी प्लस जे क्यू, पी प्लस जे क्यू। तो अगर कोई आपसे पूछे कि कितने ऐसी क्वांटिटी हैं जिसकी हमें एनालिसिस करनी है, तो देयर आर 6 6, 3 3 6 2 8, 8 क्वांटिटीज, देयर आर 8 क्वांटिटीज। दिख रहा है क्या? वोल्टेज, करंट, इम्पीडेंस,
रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस, अपरेंट पावर, कॉम्प्लेक्स पावर, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर। समझ में आ गया? दीज आर व्हाट, दीज आर व्हाट, दीज आर पॉसिबिलिटीज ऑफ व्हाट, एक्चुअल वैल्यूज, दीज आर पॉसिबिलिटीज ऑफ एक्चुअल वैल्यू। मतलब एक्चुअल वैल्यू में आपको ये सारी चीजें दिख सकती हैं, क्या क्या, वोल्टेज, करंट, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, कॉम्प्लेक्स पावर, इंपीडेंस, रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस। समझ में आ गया? मतलब इतने सारे क्वांटिटी का आपको क्या बोला जा सकता है निकालने को, पर यूनिट वैल्यू। समझ में आ गई बात? अब अगर एक सिचुएशन इमेजिन करो, अगर मैंने इन सारे आठ क्वांटिटी है हमारे सामने, देयर आर एट क्वांटिटीज, ठीक है ना, वोल्टेज, करंट, इंपीडेंस, रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, कॉम्प्लेक्स पावर, तो टोटल कितने क्वांटिटी हैं? एट क्वांटिटी। दीज आर द पॉसिबिलिटीज ऑफ व्हाट, एक्चुअल वैल्यू, दीज आर द पॉसिबिलिटीज ऑफ एक्चुअल वैल्यू। मतलब एक्चुअल वैल्यू में ये सारी चीजें आ सकती हैं। आपसे 10 वोल्ट दे देगा, 50 वोल्ट दे देगा, केवी दे देगा, उसका पर यूनिट वैल्यू निकालो, करंट दे देगा, इंपीडेंस दे देगा, रेजिस्टेंस दे देगा, कुछ मतलब इसमें से कुछ भी दे देगा। अब आठ हमारे पास एक्चुअल वैल्यू की पॉसिबिलिटीज हैं। अब अगर हमने बेस वैल्यू, आठ अलग अलग बेस वैल्यू लिया, तो चीजें फिर से हम क्या करने वाले हैं, कॉम्प्लिकेटेड करने वाले हैं। तो उस आठ की जगह हम जो बेस लेते हैं सिर्फ चार लेते हैं। ध्यान से समझना, कौन कौन? एक में बेस क्या ले लेंगे, वोल्टेज, जिसको अपन क्या बोलते हैं, वी बेस। एक में क्या बेस ले लेंगे, करंट, उसको अपन क्या बोलते हैं, आई बेस। और जब बात आएगी इंपीडेंस की, तो यहां पे पता है क्या लिया जाता है, बेस, जेड बेस, क्या लेते हैं, जेड बेस। और यहां पे क्या लिया जाता है, दैट इज यस बेस। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछूं कि बताओ एक्टिव पावर के लिए बेस वैल्यू क्या है, व्हाट इज द आंसर, यस बेस। रिएक्टिव पावर के लिए यस बेस, कॉम्प्लेक्स पावर के लिए यस बेस, इंपीडेंस के लिए जेड बेस, रेजिस्टेंस के लिए जेड बेस, रिएक्टेंस के लिए भी जेड बेस, करंट के लिए आई बेस, वोल्टेज के लिए वी बेस। क्या इतनी बात समझ में आई? मतलब अभी हमने आठ क्वांटिटी को, आठ क्वांटिटी के लिए कितने बेस वैल्यू डिफाइन किए, चार। अब इस चीज को और मिनिमाइज करते हैं, वी बेस, आई बेस, इंपीडेंस एंड एस बेस। अब यहां पे अब हमारे सामने अगर हम बात करें बेस वैल्यूज की, तो कौन कौन आ गया, वी बेस, देन आई बेस, और बताओ जेड बेस, और आपके लिए यस बेस। अब अगला क्वेश्चन होता है कि ठीक है, अच्छा मतलब चार ही लेंगे, बट ये बताओ लेंगे किसको, चार ही लेंगे बट हम लेंगे किसको। तो जो नॉर्मली अपन बेस वैल्यू लेते हैं, वो लेते हैं हम रेटेड वैल्यू को। आई बात समझ में? जो नॉर्मली बेस वैल्यू लेते हैं किसको लेते हैं, रेटेड वैल्यू को। यहाँ पे एक पॉइंट लिखेंगे कि यूजुअली, यूजुअली बेस वैल्यू आर रेफरेंस वैल्यू आर चूजन एज रेटेड वैल्यू। ठीक है, बेस वैल्यू या रेफरेंस वैल्यू चूजन एज रेटेड वैल्यू। मतलब हम सिर्फ रेटेड वैल्यू को ही क्या करते हैं, एज अ बेस कंसीडर करते हैं। एक्चुअल वैल्यू कौन डिसाइड करेगा, वो क्वेश्चन में देगा। एक्चुअल वैल्यू की तो हमें टेंशन ही नहीं लेनी है, हमें जिस किसके लिए काम करना है, बेस वैल्यू के लिए। तो बेस वैल्यू, बेस वैल्यू में नॉर्मली अपन ए ले लेते हैं। ठीक है, मतलब क्या है, वी बेस इज व्हाट, वी रेटेड, आई बेस इज व्हाट, आई रेटेड, अब जेड बेस इज वॉट। अब यहां पे थोड़ा सा समझो जरा,
जेड रेटेड तो कभी गलती से भी आपको नहीं देने वाला है, ठीक है ना। तो इसको हमें करना पड़ेगा कैलकुलेट, कैसे करेंगे वो सारी चीजें अभी देखेंगे। और यस बेस क्या हो जाता है, दैट इज यस रेटेड, क्लियर है क्या। और उसमें से भी अगर देखा जाए ना तो आई रेटेड तो होगा, बट आई रेटेड को भी हमें क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। सर कैलकुलेट कैसे करेंगे, कुछ दिया भी रहेगा। हाँ दिया रहेगा, क्या क्या दिया रहेगा, भी बेस, और क्या दिया रहेगा, यस बेस, भी बेस दिया रहेगा और यस बेस दिया रहेगा। और हमें बेसिकली आई बेस और जेड बेस को क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे सारा चीज देखेंगे, स्टेप वाइज देखो। सबसे पहले आठ एक्चुअल वैल्यू, आठ एक्चुअल वैल्यू के लिए कितने बेस वैल्यू डिफाइन किए, चार। अब उस चार में से सिर्फ हमें कितना दिया रहेगा, दो, मतलब बाकी के दो क्या करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है क्या, कहां से कैलकुलेट करेंगे, बेसिक फार्मूले से कैलकुलेट करेंगे। देखते हैं अभी, इतनी बात क्लियर है, ठीक है। कहीं भी दिक्कत आए प्लीज बता देना, ठीक है ना। ये नहीं कि मतलब नहीं समझ में आ रहा है तो आगे बढ़ जाओ, क्योंकि फिर वहां से आप चीज आप हटने लगोगे डिस्कशन से ना, ठीक है। तो मैं इस उम्मीद में तो नहीं बता रहा हूं कि आपको समझ में ना आए, तो इसलिए नहीं समझ में आया तो बता देना। खैर, तो मतलब हमें दिया क्या क्या है, जल्दी बोलो, दिया क्या क्या है, भी बेस और यस बेस, ये दिया होगा। सर कैसे दिया होगा, कोई भी क्वेश्चन उठा लो उसमें आपको वोल्टेज दिया रहता है कि दिस मच इज केबी एंड दिस मच इज व्हाट एमबीए, इस तरीके से दिया होता है कि 50 एमबी, 50 एमबीए अल्टरनेटर, 10 केबी जनरेटेड वोल्टेज। तो ये दो वैल्यूज आपको हमेशा दी रहती, तो जो दिया होता है दैट इज एक्चुअल वैल्यू या बेस वैल्यू, बेस वैल्यू। जो इसकी बात कर रहा हूं मैं, 50 एमबीए, 10 KB, ये क्या है, एक्चुअली वो रेटेड है और उसी रेटेड को हमें क्या कंसीडर करना है, बेस। एक्चुअली वो तो रेटेड है, रेटेड वोल्टेज है, रेटेड पावर है, ठीक है। और कौन सा पावर, यस है, ना तो पी है ना तो क्यू है, वो यस है, डन, ओके। अब हमें यहां पे कैलकुलेशन में सबसे पहले किसको कैलकुलेट करना है, आई बेस को, ठीक है ना, आई बेस को, क्लियर है क्या। अच्छा एक बात और, अभी मैं जो भी चीजें चल रहा हूं सिंगल फेज के लिए चल रहा हूं, अभी थ्री फेज के लिए बाद में बातें करेंगे, ठीक है ना, कॉम्प्लिकेशन नहीं चाहिए। तो चाहे तो आप यहां पे ऐसे लिख लेना, दैट इज फॉर सिंगल फेज सिस्टम, ठीक है ना। क्योंकि थ्री फेज सिस्टम में आई बेस निकालने का तरीका अलग हो जाता है, ठीक है ना। तो ये छोटी छोटी बातों का बहुत बारीकी से ध्यान रखोगे आप। तो आई बेस, व्हाट इज आई बेस, अब एक बात बताओ, अगर आपको पावर दिया हो, वोल्टेज दिया हो, तो करंट निकाल सकते हो कि नहीं, बोलो। पावर दिया, वोल्टेज दिया, करंट निकाल सकते हो, नहीं, क्या होता है रिलेशन, पी इज इक्वल टू, बोलो हाँ या ना। तो इसका मतलब आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P अपॉन B, तो P की जगह हमें क्या दिया हुआ है, यस बेस, बोलो हाँ या ना। मैं इसको ऐसा इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि आप इससे अवेयर हो, मैं P की जगह यस भी लिख सकता था, बट आप इससे अवेयर हो इसलिए मैं P और यस यहां पे। खैर, आई बेस इक्वल टू वॉट, यस बेस डिवाइड बाई वॉट, बी बेस डिवाइड बाई वॉट, भी बेस। तो मतलब दो दिया हुआ था, दो से हमने तीसरा निकाल लिया, यस या नो, ठीक है, ओके। इस रिलेशन से हमने स्टेब्लिश किया। दूसरी क्वांटिटी क्या कैलकुलेट करनी है हमने, बोलो यार, जेड बेस। अभी जेड को आप आर कंसीडर करो, जेड को आप आर कंसीडर करो, क्या आर वोल्टेज और पावर में कोई रिलेशन है, वोल्टेज पावर और रेजिस्टेंस में कोई रिलेशन है, क्या है, पी इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, एग्जैक्टली,
आप ये चीजें रट नहीं पाओगे, याद रखना। मतलब जिस तरीके से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं ना, मतलब जिस तरीके से आपको विजुलाइज कराने की कोशिश करो, एग्जैक्टली वैसे ही चीजें याद रहेंगी, याद रखना इस बात को। तो अब बताओ, तो यहां से r की वैल्यू क्या हो जाएगी, बोलो जरा, यहां से r की वैल्यू क्या हो जाएगी, पहले इसको बताओ, वी स्क्वायर डिवाइड बाई पी, यस या नो? तो अब बोलो वी क्या हो जाएगा, वी बेस, तो वी बेस का स्क्वायर डिवाइड बाई यस बेस, ठीक है। दो हमें दिया हुआ था और बाकी दो हमने उसी के टर्म्स में निकाल लिया, तो चीजें और आसान। मतलब अगर अब यहां पे देखा जाए तो उस आठ क्वांटिटी की पर यूनिट वैल्यू निकालने के लिए एज अ बेस वैल्यू हमें सिर्फ दो क्वांटिटी चाहिए, बोलो हाँ या ना? उस आठ एक्चुअल वैल्यू को निकालने के लिए, आठ मतलब वोल्टेज, करंट, इंपीडेंस, रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, अपरेंट पावर, आठ अलग अलग एक्चुअल वैल्यू को निकालने, पर यूनिट वैल्यू निकालने के लिए क्या चाहिए होता, बेस वैल्यू। और बेस वैल्यू मुझे आठ नहीं चाहिए, मुझे कितना चाहिए, सिर्फ दो, बोलो हाँ या ना? मतलब उस दो से हम क्या निकाल लेंगे, बाकी दो निकाल लेंगे, और इन तीन क्वांटिटी के लिए एक बेस, इन तीन क्वांटिटी के लिए एक बेस, करंट के लिए अलग, वोल्टेज के लिए अलग, ठीक है। तो मतलब दो दो रेटिंग दे दो, आप मुझसे कोई भी पर यूनिट वैल्यू पूछ लो, क्योंकि आप एक्चुअल वैल्यू तो आपको देना पड़ेगा, एक्चुअल वैल्यू तो आपको देना पड़ेगा ना। तो अगर आप मुझसे कोई भी पर यूनिट वैल्यू चाहते हो तो आप मुझे सिर्फ क्या करो, दो, एक रेटेड पावर दे दो और एक रेटेड, बोलो, वोल्टेज, रेटेड पावर और रेटेड वोल्टेज दे दो, क्योंकि यही क्वांटिटी क्वेश्चन में दिया रहेगा, समझ में आया क्या? ठीक है, तो नॉर्मली हम बेस वैल्यू या रेफरेंस वैल्यू को क्या लेते हैं, मतलब बेस वैल्यू या रेफरेंस वैल्यू किसको लेते हैं, रेटेड वैल्यू को, ठीक है, ओके। अब यहां पे एक काम करते हैं, जैसे देखो, मान लीजिए वी की, वोल्टेज की, अब मैं सबकी आठ क्वांटिटी, आठों की बेसिकली क्या निकालता हूं, पर यूनिट वैल्यू, वोल्टेज की पर यूनिट वैल्यू, चलो बताओ क्या होगा, भी एक्चुअल, भी एक्चुअल, ऑब्वियस सी बात हो, वोल्ट में दिया रहेगा, किलो वोल्ट में दिया रहेगा, जिसमें भी, डिवाइड बाय व्हाट, भी बेस, ठीक है। दूसरा, दूसरा मान लीजिए आप यस कॉम्प्लेक्स पावर की पर यूनिट वैल्यू निकाल रहे हो, तो क्या हो जाएगा, यस अपॉन यस बेस, यहां तक हमें कोई दिक्कत नहीं है। बट अब देखो यहां पे ट्विस्ट देखो, अब तीसरी क्वांटिटी क्या है हमारे पास, करंट आई बेस, तो जिस फ्लो में अभी तक हम चले, एक मिनट, और यस की वैल्यू अपन क्या लिख सकते हैं, पी प्लस जे क्यू डिवाइड बाई यस बेस, कोई दिक्कत है, ठीक है ना। तो इस, अब अगर पी अपॉन यस बेस, दैट इज व्हाट, पी की पर यूनिट वैल्यू, बोलो हाँ या ना, क्यू की पर यूनिट वैल्यू, समझ में आ गया, ये पी अपॉन यस बेस प्लस Q अपॉन यस बेस, तो P की पर यूनिट वैल्यू, Q की पर यूनिट वैल्यू, तो यस की पर यूनिट वैल्यू इक्वल टू व्हाट, P पर यूनिट, Q पर यूनिट, मतलब यस इज इक्वल टू P प्लस जे क्यू, एक्चुअल वैल्यू में होता है या पर यूनिट वैल्यू में होता है, दोनों में होता है, समझते चलो, यस इज इक्वल टू P प्लस जे क्यू, ये एक्चुअल में भी होता है और किस में होता है, पर यूनिट वैल्यू में भी होता है, समझ में आ गया। चलो तीसरे पे आ जाओ, आई बेस, बोलो जरा, पहले इसका फॉर्मूला बोलो, आई बेस क्या होगा, आई एक्चुअल डिवाइड बाई आई बेस, बट आई बेस हमें किसके टर्म्स में पता है, यस बेस और भी बेस, यस या नो? तो बेसिकली हम क्या लिख सकते हैं, आई अपॉन, आई बेस की जगह क्या लिखेंगे, यस बेस डिवाइड बाई ही बेस, समझ में आया क्या? तो इसका मतलब आई, अभी जो आई मैं लिख रहा हूं दैट इज एक्चुअल वैल्यू, ये आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, इनटू व्हाट, भी बेस
डिवाइड बाई यस बेस, ये किसकी वैल्यू है, सॉरी 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 आई पर यूनिट, आई पर यूनिट। अभी तक मेरे हिसाब से एक भी ऐसी क्वांटिटी नहीं आई है, एक भी ऐसा फॉर्मूला नहीं आया है जो आपको रटना पड़े। आ रही बात समझ में? रटने के नाम पे सिर्फ दो फॉर्मूले हैं, पी इक्वल टू वी आई एंड पी इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, जो आपको ऑलरेडी याद है। जैसे नो, उससे ज्यादा तो लाइक उसके बाद तो मैं सारी चीजें उसी में से ले रहा हूं ना, इधर से उधर उधर से इधर, यही सब तो कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो आई करंट की परमानेंट वैल्यू क्या, एक्चुअल अपॉन, वैसे एक्चुअल अपॉन मैं जस्ट, अच्छा ये फॉर्मूले फिर से बोल रहा हूँ, ये फॉर्मूले रटने नहीं है, जस्ट एक बार देख लो ताकि जब न्यूमेरिकल हो तो आप चीजें कर पाओ इंप्लीमेंट, ये रटने नहीं है। ठीक है ना? ओके, अब एक काम करो, आप मुझे किसकी वैल्यू बताओगे, जेड की पर यूनिट वैल्यू बताओगे, निकालो जेड की पर यूनिट वैल्यू, जेड पर यूनिट वैल्यू। तो सिंपल जेड, अच्छा एक बात बताओ, जैसे मैंने बोला आई एक्चुअल वैल्यू, ए रेटिंग यूनिट क्या होगा, एम्पियर, ठीक है ना, भी एक्चुअल वैल्यू मतलब इसकी यूनिट क्या होगी, बोल्ट, जेड एक्चुअल इसकी यूनिट क्या होगी, ओम, तो इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, ओमिक वैल्यू भी बोल देते हैं कभी कभी। एक्चुअल वैल्यू इज ऑल्सो नोन एज ओमिक वैल्यू इन केस ऑफ इंपीडेंस, ठीक है, क्योंकि तो कई बार होगा वो एक्चुअल नहीं देगा, वो बोल देगा कि ओमिक वैल्यू इज दिस वन, तो आपको समझना पड़ेगा कि जो एक्चुअल है वही क्या है, ओमिक है। ठीक है, तो जेड एक्चुअल या फिर जेड ओमिक, ओमिक डिवाइड बाय व्हाट, जल्दी बोलो, जेड बेस, जेड बेस। अब वो बात अलग है कि जेड बेस की हम वैल्यू लाके रखेंगे, रखो ना रखो पता होना चाहिए बस, क्योंकि हम यहां पे फॉर्मूले रटना ही नहीं है हमें, कि हम उसी चीज को रखेंगे, मतलब रख रहे हो जस्ट प्रैक्टिस के लिए, आप समझ में आए नहीं, मतलब अब यही जेड बेस उठा करके यहां पे रख सकते हैं ना हम। ठीक है, कैलकुलेशन में ऐसा नहीं करेंगे, कैलकुलेशन में कैसा करेंगे, जेड बेस अलग से निकाल लेंगे, निकाल के उसको डाटा पहले से ही रख देंगे ना, और उसके बाद एक्चुअल से उसमें डिवाइड कर देंगे, एक्चुअल एक्चुअल में उसको डिवाइड कर देंगे और हमारा पर यूनिट वैल्यू आ जाएगा। ठीक है क्या? ओके, अब इसके अलावा अगर आप ध्यान दो तो जेड पर यूनिट क्या हो जाएगा, आर पर यूनिट प्लस जे एक्स पर यूनिट, समझ गए ना कैसे आएगा, जेड की जगह क्या करोगे आप, आर प्लस जे एक्स, आर डिवाइड बाई जेड बेस, आर पर यूनिट, एक्स डिवाइड बाई जेड बेस, एक्स पर यूनिट। याद रखेंगे चाहे वो रियल हो चाहे इमेजिनरी हो, दोनों को सेम बेस से डिवाइड करना है, चाहे वो इमेजिनरी हो चाहे वो रियल हो। तो जेड पर यूनिट इज व्हाट, आर पर यूनिट, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर पर यूनिट बताना जरा, बोलो व्हाट इज आर पर यूनिट, आर एक्चुअल वैल्यू डिवाइड बाय एस बेस या जेड बेस, जेड बेस, ठीक है ना। इसी तरह एक्स पर यूनिट भी क्या हो जाएगा, एक्स ओमिक डिवाइड बाय जेड बेस। ठीक है, कुछ बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहा हूं मैं, बहुत बेसिक बेसिक बातें कर रहा हूं मैं, मतलब देखा जाए तो ओम्स लॉ, जे इक्वल टू आर प्लस जे एक्स, एस इक्वल टू पी प्लस जे क्यू, बस इन्हीं के आसपास घूम रहा हूं मैं। चलिए अब एक दो क्वेश्चन करते हैं, चीजें और क्लियर हो जाएंगी। लिखो, अब बहुत ध्यान से समझना और आंसर सब लोग देना। द पर यूनिट वैल्यू ऑफ 4 ओम रजिस्टर एट 100 एमबीए बेस एंड 10 केवी बेस वोल्टेज इज। अब हमें पता है क्या पूछा गया है, पर यूनिट वैल्यू ऑफ 4 ओम, तो मतलब लाइक किसका वैल्यू पूछा है, रजिस्टेंस पर यूनिट, तो रजिस्टेंस पर यूनिट इज व्हाट, आर एक्चुअल अपॉन जेड बेस, बोलो हाँ या ना, एंड आर एक्चुअल की वैल्यू कितनी है,
4 ओम साफ साफ दिया हुआ है। तो हमारे सामने जो अगला चैलेंज है दैट इज व्हाट, जेड बेस। और सिंगल फेज सिस्टम है तो जेड बेस जैसे ही यहाँ पे आया, आपको याद आना चाहिए कि पी इक्वल टू क्या होता है, वी स्क्वायर बाई आर, तो आर इक्वल टू क्या होता है, वी स्क्वायर बाई पी, ऐसे ही याद आएगा। वो फॉर्मूला नहीं याद रहेगा, याद रखना इस बात को, तुरंत के तुरंत यही करना है। तो भी का स्क्वायर, भी का स्क्वायर मतलब के भी का, देखो ऐसे समझो, भी बेस का स्क्वायर डिवाइड बाई यस बेस, यहां तक लिख सकते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है। अब भी बेस कितना है देखो जरा, 10 KB, तो 10 × 10³ का होल स्क्वायर, बोलो हाँ या ना, डिवाइड बाई यस बेस। अब यस बेस कितना है, तो दैट इज 100 × 10⁶। 100 × 10⁶, यार मैं कुछ अलग से कर ही नहीं रहा, जो दिया मैं उसी को लिख रहा हूं बस, यस या नो। तो अब यहां पे देखो जरा, तो कितना हो जाएगा, 100, 10 का स्क्वायर 100 × 10⁶, 3 का स्क्वायर तो मतलब 3 का मल्टीप्लाई 2, और 100 × 10⁶, ये कितना आ गया, 1, तो जेड बेस कितना आ गया, 1। तो ठीक है इधर चले आओ, 4 / 1 आंसर इज व्हाट, 4, सिंपल। समझ में आ गई नहीं, ठीक है, कुछ भी ज्यादा सोचना ही नहीं है, जैसा जैसा दिया है वैसा वैसा करते जाओ, क्लियर है, तो आंसर इज व्हाट, 4। डाउट है किसी को, फिर से देखो। देखो यार, हमने सबसे पहले देखा कि किसी भी वैल्यू की पर यूनिट वैल्यू निकालनी होती है तो एक सिंपल सा फॉर्मूला है एक्चुअल अपॉन बेस। एक्चुअल इसने आराम से दे रखा है कि 4 ओम है, वो मैंने लिख दिया। अब हमारे सामने जो टास्क था दैट इज जेड बेस। अब जेड बेस होता क्या है, तो उसके लिए हमने एक चीज याद करी है कि पी इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, आर एक साइड रखा, वी स्क्वायर बाई पी, भी की जगह बेस का स्क्वायर डिवाइड बाई पी की जगह यस बेस। अब भी बेस 10 KB दे रखा है, तो 10 × 10³ का होल स्क्वायर, और एस बेस दे रखा है तो 100 × 10⁶, क्योंकि MBA में दे रखा है, मेगा में, तो इसलिए 10⁶। एक KB में दे रखा था इसलिए 10³। अब इसके बाद सिंपली हमने इसको जब ओपन किया तो इसका स्क्वायर 100, इस ए बेसिकली 10⁶, ये आपका 100 × 10⁶, तो ये आ गया 1। अब इस जेड बेस की वैल्यू 1 आ गई, तो सिंपली ले जाके यहां पे जेड बेस की वैल्यू 1 रखा तो आंसर क्या आ गया, 4, सिंपल। समझ में आया, ठीक है।